शरीरं सुरूपं तथा वाकलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चेन लग्नं गुरुरङ्घ्रिपद्मे जातम् मनश्चेन लग्नं कुरुरङ्घ्रिपद्मे तत किं तत किं तत किं तत किम् षडङ्गादिवेदो मुखी शास्त्रविद्या कवित्वादिगद्यं सुपद्यं करोति मनश्चेन लग्नं गुरुरङ्घ्रिपद्मे तत किं तत किं तत किं तत किम् ॐ शान्ति। शरीरं स्वरूपं तथा वा कलत्रं यतश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चेन्द्रलग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततक्किम 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 ततक्किम। यदि शरीर रूपवान हो, पत्नी भी रूपसी हो और सत्कीर्ति चारों दिशाओं में विस्तारित हो, मेरु पर्वत के तुल्य अपार धन हो, किंतु गुरु के श्री चरणों में यदि मन आसक्त न हो तो ये सारी उपलब्धियों का क्या लाभ। ततक्किम 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 ततक्किम। संसार का सारा वैभव मिल जाए, संसार की सारी प्राप्ति हो जाए, परंतु यदि मन सद्गुरु के चरणों में स्थित नहीं है। ततक किम ततक किम ततक किम ततक किम। कलत्रम धनम पुत्र पौत्रादि सर्वम गृहम बांधवा सर्वमेतात्ति धातम मनश्चेन्द्र लग्नम गुरोरंग्रिपद में ततक किम ततक किम ततक किम ततक किम। शंकराचार्य आदि शंकराचार्य द्वारा लिखित सुंदर पत्नी धन पुत्र पौत्र घर एवं स्वजन आदि प्रारब्ध से सर्व सुलभ हो, किंतु गुरु के श्री चरणों में मन की आसक्ति ना हो तो यह इस प्रारब्ध सुख से क्या लाभ। ततक किम ततक किम ततक किम। वेद एवं षड्वेदांग आदि शास्त्र जिन्हें कंठस्थ हो, जिनमें सुंदर काव्य निर्माण की प्रतिभा हो, किंतु उनका मन यदि गुरु के श्री चरणों में आसक्त ना हो तो इन सद्गुणों से क्या लाभ। ततक किम। षड्गादि वेदो मुख्य शास्त्र विद्या कवित्वादि गद्यम सुपाद्यम करोति मनश्चेन्द्र लग्नम गुरुरंग्र पद में ततक किम ततक किम ततक किम ततक किम। जिन्हें विदेशों में समाधान मिलता हो, अपने देश में जिनका नित्य जय जयकार से स्वागत किया जाता हो और जो सदाचार पालन में भी अनन्य स्थान रखता हो, यदि उसका मन श्री गुरु के चरणों में प्रति आसक्त ना हो तो इन सद्गुणों से क्या लाभ। विदेशादु मान्य स्वदेशु शुधन्य सदाचार वृत्तेषु मत्तो न चाप्य मनश्चेन्द्र लग्नम गुरोरंग्रिपद्म ततक किम ततक किम ततक किम ततक किम। संसार की सारी उपलब्धियां हो जाए, संसार के सारे सुख मिल जाए। आगे तो और भी ज्यादा कहा है, संसार से वैराग है, संसार की चीजों में आसक्ति नहीं है, परंतु सद्गुरु के चरणों में भी आसक्ति नहीं है, तो ततक किम ततक किम ततक किम। क्या फायदा क्या फायदा क्या मिला। कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं पाया। तो ईश्वरे अनुराग और विषय विराग, दो चीजें हैं, संसार से वैराग और ईश्वर से अनुराग। वो जो सद्गुरु है, वो जो परम शिक्षक है, वो शिक्षक भी है तो गुरु भी है, प्राइवेट ट्यूशन भी देता है बिना खर्चे के और सद्गुरु बनकर मुक्ति का मार्ग भी दिखाता है। तो एक तो उसमें आसक्ति हो,
उस सद्गुरु में और संसार के प्रति वितराग, संसार से वैराग, ये दोनों चीजें चाहिए। एक ही चीज हो तो काम नहीं होगा। ततक किम ततक किम ततक किम ततक किम गुरु रंग पद में मनश्चेंद्र लग्नम। जब तक मन उस सद्गुरु के में ना लगा हो कुछ फायदा नहीं। तो दो चीजें हैं, एक मन मनाभाव और दूसरा वैराग। ये बातें तुमने सुनी होगी, नहीं सुनी हो तो मैं बतलाता हूं। मन मनाभाव, तो कौन सा वैराग होना चाहिए और कौन सा नहीं? शमशानी नहीं होना चाहिए, शमशानी वैराग, शमशानी उमंग उत्साह नहीं होना चाहिए। तुम्हारा वैराग कैसा है? बेहद का वैराग, अनलिमिटेड डिसइंटरेस्ट, मोहजीत नाम का एक राजकुमार वन में जाता है और गुरु से कहता है कि मुझे अनंत के मार्ग की राह दिखाओ, मेरा मार्ग प्रशस्त करो। वो गुरु कहता है, जैसे तुम्हारा नाम है मोहजीत, क्या वैसे गुण तुम में है? वो कहता है, मोहजीत तो हमारा पूरा राज्य है। गुरु को विश्वास नहीं होता है, वो परीक्षा लेना चाहता है, कहता है तुम अपने कपड़े निकालो और कपड़ों को फाड़ता है, उसमें लाल रंग डाल देता है और वो वस्त्र लेकर राज्य में जाता है और राज्य के दरवाजे में जाकर कहता है कि राजकुमार पर एक हिंसक प्राणी ने हमला कर दिया और उसकी मृत्यु हो गई। जिस दासी को वो बताता है, वो दासी कहती है, वो कहता है जाओ जाकर राजा को तुरंत बताओ। रानी दासी कहती है जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसमें जल्दी करने की क्या बात है? क्यों मैं राजा और रानी का एकांत भंग करूं? जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, परंतु एन के एन प्रकार वो वार्ता राजा तक पहुंचती है और जब राजा सुनता है तो कहता है, पंछी अपने घोंसले में रात को आता है, सुबह उड़ जाता है। जो रात में आया उसे प्रातः तो उड़कर जाना ही है, इसमें आश्चर्य क्या है? वो भी संसार में आया था, चला गया। उसकी मां को खबर मिलती है तो मां कहती है, संसार तो एक सराय है जिसमें हम सब यात्री हैं, आते हैं, रात्रि को रुकते हैं, सुबह उठ के चले जाते हैं और रात्रि में एक दूसरे से जो आसक्ति हो जाती है वो कुछ बातें हम यहां कर देते हैं, पर वो अनित्य है, वो सब मिटने वाली है, यहां कोई किसी का नहीं है। सुबह तो उठ के सबको निकल जाना है, वो भी चला गया। राजकुमार की जो पत्नी होती है उसको खबर मिलती है कि पतिदेव तो स्वर्ग सिधारे। वो कहती है कि पति और पत्नी दोनों तो जैसे कोई नदी बह रही है और लकड़ी के दो टुकड़े साथ साथ बह रहे हैं। वो हमेशा तो साथ तो नहीं बह सकती ना, उनको तो पहुंचना है समुंदर तक, कोई कहां जाएगा कोई कहां जाएगा, ये तो नियम है, उनको तो जाना ही था। उनकी यात्रा अलग थी, मेरी यात्रा अलग थी। वो साधु को ये सब सुनकर बहुत खुशी होती है, वाह जो राज्य कर रहे और जिन पर राज्य किया जा रहा है, द रूल्ड एंड द रूलर, दोनों ही मोहजीत है। वो वापस आता है और राजकुमार से कहता है, तुम्हारे राज्य पर दूसरे राजा ने आक्रमण कर दिया, सारा राज्य तहस नहस हो गया। राजकुमार कहता है, मैं आपसे अनंत का ज्ञान लेने आया हूं, राज्य तो बुदबुदे के समान है, आज नहीं कल, आज है कल गया। इसे कहते हैं बेहद का वैराग्य।
लास्ट संडे की मुरली वैराग की 5 परिभाषाएं बाबा ने दी, कौन कौन सी? सबसे पहली परिभाषा, पहली परिभाषा देह से संबंधित है और यह सबसे कठिन परिभाषा है, कठोर है और सारे जीवन भर का पुरुषार्थ है कि देह में हो पर देह मेरी नहीं, देह में हो पर देह का भान नहीं, देह में है परंतु देह उसको दे दी, देह में है पर बेघर, देह से ही वैराग। देह, देह के धर्म सबसे पहले तो सबसे मूलभूत जो है वो 3 बातें हैं, भूख प्यास और नींद। उससे नीचे है देह के संबंध, देह के भोग, देह का स्थान, देह की भाषा, देह की आसक्तियां, फिर देह के विकारी भोग, उसमें भी सुख प्राप्त करते हैं संसार के लोग, कब्र दाखिल हो गए काम विकार से आज की मुरली में, की कमाई चट कर दी काम ने, सब कुछ देह से रिलेटेड। तो सबसे पहला वैराग कौन सा है? देह का। दूसरा दूसरा वैराग अप्रभावित अर्थात वशीभूत नहीं, स्वभाव संस्कार और साधन। बाबा ने कहा मालिक बनकर साधनों का प्रयोग करो और सिद्धि को पाओ, सेवा ही सिद्धि है ये भी कह दिया उसमें, सिद्धि स्वरूप बन जाओ। तो जो भी साधन है उनके अधीन नहीं, जो भी साधन है उनका आधार नहीं, जो भी साधन है उनके वशीभूत नहीं। वशीभूत अगर कोई हो जाता है तो क्या होता है? परेशान होता है, परेशान और परवश, 2 बातें हो जाती है। जब कोई आत्मा किसी में प्रवेश कर जाए, बाइबल में दिखाया है डेविड के राज्य में जितने लोग रहते हैं सभी में दूसरी आत्माएं प्रवेश कर जाती है, सभी पागल हो जाते हैं विक्षिप्त। वो आके देखता है और वो तो भक्त था, वो प्रार्थना करता है ये क्या हो रहा है, एक एक को पकड़ना पड़ रहा है, 10-10 लोग पकड़ रहे पर फिर भी संभले नहीं जा रहा है। और वो जब प्रार्थना करता है तो वो जो प्रकोप होता है वो शांत होता है, सब फिर ठीक होते हैं। तो जब कोई आत्मा प्रवेश कर जाए तो वशीभूत हो जाते हैं। तो बाबा कह रहे साधन भी वशीभूत कर देते हैं, संस्कार भी वशीभूत करता है तो स्वभाव भी वशीभूत करता है। अगर किसी में विकार का और पुराने संस्कारों का प्रभाव है तो वो संस्कार भी आत्मा को वशीभूत और पागल कर देगा, विक्षिप्त कर देगा। जैसे कोई प्रेतात्मा प्रवेश करती है और विक्षिप्त करती है, उसी तरह ये साधन, ये स्वभाव और संस्कार। तो वैराग अर्थात वशीभूत नहीं, तो दूसरी परिभाषा है वशीभूत नहीं। तीसरी परिभाषा है उड़ता योगी। उड़ता योगी वो जो हट योगी होते हैं, जमीन आग और पानी तीनों से ऊपर उठते हैं। सबसे पहले जमीन, कौन सी जमीन से तुम ऊपर उठते हो? देहभान की जमीन से। वो आग से भी अप्रभावित रहते हैं, तुम 5 विकार रूपी आग से ऊपर होते हो। वो पानी के ऊपर चल सकते हैं या पानी के ऊपर उड़ते हैं? तुम जो आकर्षण है हद के संसार के, उनका जो बहाव है उस बहाव से परे, नहीं तो बहाव खींचता है, तुम उससे भी ऊपर रहते हो। तो तीनों चीजों से ऊपर जो रहता है उसे कहा जाएगा उड़ता योगी, रमता योगी नहीं केवल, उड़ता योगी। उड़ता योगी अर्थात जमीन से ऊपर, उड़ता योगी अर्थात आग से ऊपर, और तीसरा उड़ता योगी अर्थात पानी से भी ऊपर। पानी के ऊपर चलने वाला, आग के भी ऊपर उड़ने वाला और जमीन के ऊपर, लेविटेशन कहते हैं उसको, जमीन से ऊपर उड़ जाते हैं योगी। ये सिद्धियां है, साइकिक पावर्स। लंबा समय साधना करो तो ये सारी सिद्धियां प्राप्त होने लगती है, अपने आप आने लगती है। तो वैराग अर्थात उड़ता योगी। चौथा, चौथी परिभाषा वैराग की, वैराग अर्थात संकल्प बोल और सेवा में बेहद, भावना कामरा स्मृति वृत्ति बेहद अनलिमिटेड। जब बेहद का भाव होगा हर चीज में, विचारों में बोल में और सेवाओं में या कर्म में,
तब कहेंगे वैरागी। और लास्ट, अपनापन मिट जाए और बाबापन आ जाए, ये है वैराग की 5 परिभाषाएं। पहला बताया, देह में है पर बेघर है, घर से कोई आसक्ति नहीं है, बस घर में रह रहे हैं। वो कहीं पर भी किया जा सकता है, उसके लिए किसी स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं। एक युवक इतना वैरागी हो जाता है, सब कुछ छोड़ छाड़ के एक आश्रम में पहुंचता है, एक वहां के महंत, वहां के जो हेड होते हैं, उनसे जाके मिलता है। वो कहता है, मैं संन्यास लेने आया हूं, मेरा मन नहीं लगता संसार में, उब गया है संसार के भोग विलास से मन। वो गुरु उससे कुछ प्रश्न पूछते हैं, वो कहते पहले ये बताओ तुम्हारा घर कच्चा है या पक्का, दूसरा प्रश्न पूछते तुम खाते क्या हो, तुम्हारे घर में कितने लोग रहते हैं। उसे आश्चर्य लगता है ये कैसे प्रश्न पूछ रहा है, पर फिर भी वो बड़े हैं तो उत्तर देता है, मेरा घर कच्चा है, 4 लोग हैं, सूखी रोटी खाते हैं। गुरुजी कहते हैं, हमारा ये जो आश्रम है ये पक्का है, तुम जहां रहते हो वो कच्चा घर है, यहां पर 1000 लोग रहते हैं एक साथ, तुम जहां रहते हो वहां 4 ही लोग रहते हैं, और यहां जो भंडारा है जिसमें हम खाते हैं वहां पे रोज नया नया बनता है। अब तुम सोच लो, तुम कहां आना चाहते हो, आश्रम में आना चाहते हो ना हमारे साथ। वैराग मन की स्थिति है, तुम जहां हो वही तुम्हारे लिए ठीक है, उसी कच्चे घर में साधना करो, उन्हीं 4 लोगों के बीच साधना करो, और जो खा रहे हो वही बहुत अच्छा खा रहे हो। खाने के लिए क्या कहा आज बाबा ने, ज्यादा खाते हैं वो क्या कर दे, नींद कर। नींद का आलस और नींद का नशा रहता है उनको, और जिनको नींद का नशा है और नींद का आलस है वो सेवा नहीं कर सकते। तो वो उस युवक को कहते हैं कि तुम वहीं रहो, वहीं अपनी साधनाएं करो, तुम्हें यहां आने की आवश्यकता नहीं। अगर तुम्हारा वैराग सच्चा होगा तो वहां पर भी वो रहेगा, स्थान बदलने से वैराग आ जाए ऐसा नहीं होगा, आवश्यक नहीं है कि स्थान के साथ वैराग आ जाए। जहां हो, जैसे हो, जिस घर में हो, जिन लोगों के बीच हो, उन्हीं के बीच में उन्हीं की सेवा करते हुए गृहस्थ को ही वैराग बना दो। और देखा गया है जो गृहस्थ घर में रहते हैं, आश्रमों में रहने वाले साधु संतों से भी उनमें वैराग ज्यादा होता है, क्योंकि आश्रमों में रहने वाले साधु संत, योगी महात्माएं, सारी सुविधाएं जहां उनको मिल रही है, किसी ना किसी रूप से विलासी जरूर हो जाते हैं। वो यही भूल जाते हैं हम आए किस लिए थे, भोजन तपस्या को निकल लेता है। सुख सुविधाएं अपने आगोश में ले लेती है सन्यासी की तपस्या को, इसलिए वैराग कैसी परिभाषाएं दी है बाबा ने, घर में हो घर से बाहर। वैराग अर्थात अप्रभावित, कहीं पे भी रहो अपने ही संस्कारों से वैराग। वैराग अर्थात उड़ो ऊपर, विकार जो है स्पर्श ना करे, ऊपर विकारों से ऊपर रहो। वैराग अर्थात वो देहवान की धरती से ऊपर रहो, बाप तुम्हें आत्माभिमानी बनाने आए हैं, आज की मुट्ठी में है कई बार। वैराग अर्थात वो जो आकर्षण है संसार के, वो जो पानी है, वो जो बहाव है, पानी का जो खींचता है, उस पानी के बहाव से ऊपर रहो, ये है वैराग। और वैराग अर्थात बेहद वैरागी किसी एक व्यक्ति का, परिवार का, समाज का, नगर का, जिले का, राज्य का, देश का नहीं हो सकता है, वो वैश्विक सार्वभौम उसके कर्तव्य है, यूनिवर्सल। और वैराग अर्थात अपनापन कहीं नहीं है, ये मेरा, ये उसका, ये सबसे ऊपर।
वो है वैराग्य, पांच परिभाषा है। तो कौन किससे मिलने आया है? विश्व रचता बाप किससे मिलने आया है? कौन कौन से सम्मान दिए? श्रेष्ठ रचना से मिलने आया है। किससे मिलने आया? पूर्वज आत्माओं से मिलने आया। किससे मिलने आया है? पूज्य आत्माओं से मिलने आया। किससे मिलने आया है? शांति देवा से मिलने आया। किससे मिलने आया? मास्टर शांति सागर से मिलने आया। किससे मिलने आया? मास्टर शांति सूर्य से मिलने आया। किससे मिलने आया? जो विश्व परिवर्तक है उससे मिलने आया। किससे मिलने आया? जो समय के परिवर्तक है उनसे मिलने आया। किससे मिलने आया? जो मधुबन की रौनक है। किससे मिलने आया? जो मधुबन का श्रृंगार है उनसे मिलने आया। पूर्वज अर्थात, पूर्वज शब्द बोलते ही नरेश भाई क्या क्या मन में आते हैं? कौन कौन सी बातें? अनुभवी पूर्वज अर्थात जिसने अनुभवी है, बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। पूर्वज अर्थात बूढ़ा, पूर्व अर्थात उम्र जिसकी ज्यादा, पूर्वज अर्थात जिसके दांत निकल गए, बाल उड़ गए, सुनाई नहीं देता है, झुक गया है। पूर्वज अर्थात जो पालना करता है। पूर्वज अर्थात अप्रभावित, पूर्वज अर्थात ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होता है, पूर्वज अर्थात शांति से बैठे रहता है एक जगह, पूर्वज अर्थात ज्यादा हिलता डुलता नहीं है, पूर्वज अर्थात जो सबसे बड़े है, पूर्वज अर्थात पूर्वज अर्थात जो मुखिया है, पूर्वज अर्थात, पूर्वज अर्थात त्रिकालदर्शी, पूर्वज अर्थात नहीं वो दूसरा लौकिक, पूर्वज अर्थात अनुभवी बोल दिया, पूर्वज अर्थात उसका क्या, जिसकी उम्र हो गई है, जो सबका ख्याल करता है, पूर्वज अर्थात सबसे सबसे पहले जो आया है, बाकी सब उसके बाद में आए, ये पूर्वज है। वो वैरागी है, जाने की तैयारी में हो गया, उसके सारे जीवन के सारे कर्तव्य पूरे हो गए, अभी जो कुछ कर रहा है दूसरों के लिए कर रहा है, वो जी रहा है ताकि दूसरों को मार्गदर्शन, पूर्वज अर्थात दूसरों को अपने अनुभव से सिखाने वाला, गाइड करने वाला, मार्गदर्शन करने वाला, परामर्श देने वाला, परामर्शदाता। तो हम सब कौन है? पूर्वज है। हम पूर्वज है अर्थात सबसे ऊपर, हम पूर्वज है अर्थात सबसे पहले आए हुए, सबसे पुराने, बूढ़े, अप्रभावित, अनुभवी, सब कुछ देखा हुआ। आप जल्दी जल्दी विचलित नहीं होते पूर्वज। और जो उनको छोटे बच्चे उनके पोते पोती दाढ़ी खींचता है, मारते क्या उसको? गुस्सा नहीं करते, उनके छोटे हैं, ठीक है, ठीक है करते हैं, थोड़ा कूल रहते हैं, चिल। तो ये है पूर्वज। तो हम भी इस सृष्टि के पूर्वज है, इस कायनात के पूर्वज है। ये सब आत्माएं हमसे बाद में आई है, ये सब आत्माएं छोटी है, इनको सिखाना है, इनको परामर्श देना है, क्योंकि हम अनुभवी है, हम भी उनके जैसा नहीं कर सकते, हम ऊंचे हैं। तो हम सब कौन है? पूर्वज आत्मा है। हम सब कौन है? श्रेष्ठ रचना है। हम सब कौन है? पूज्य आत्मा है। हम सब कौन है? संसार में दो चीजों की आवश्यकता है, संसार को दो चीजें जो उनको चाहिए वो देने वाले हैं। क्या चीजें चाहिए उनको? शांति चाहिए, शक्ति चाहिए, और जिसको जो चाहिए दो जे वांछिल तो तेला हो, देने वाली हम आत्माएं हैं। भूख लगी है और पानी दे दो, और पानी की प्यास लगी है और भोजन दे दो, कितना भी स्वादिष्ट, जो चाहिए वो दो उसको, जो उसकी आवश्यकता है, जो उसकी नीड है वही उसको। और संसार को इस समय चाहिए शक्ति, क्योंकि आत्माएं दुर्बल हो गई है। नीति का ज्ञान बहुत है, धर्मों का ज्ञान बहुत है, परंतु धर्मों का ज्ञान उन्हें शक्ति से नहीं भर रहा है। संसार अशांत है, चहुओर अशांति व्याप्त है। ऐसे अशांत संसार को तुम्हें शांति देनी है, उसके लिए पहले स्वयं में शांति भरनी पड़ेगी। स्वयं शांति देवा बनो, स्वयं शांति कुंड बनो, शांति संदेश वाहक बनो, शांति के दाता बनो, शांति देव बनो, शांति के मास्टर सूर्य बनो, शांति के मास्टर सागर बनो। जब अंतर में ऐसी प्रचंड शांति हो, प्रोफाउंड पीस, तो ही वो छलकेगी, तो हम शांति देने वाले हैं। बाबा ने कहा हलचल में तो नहीं आ गए। मुरली है 1984 की, 19th October 84 की, 30 October 1984 सुबह 9 बजे भारत की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा, 31
भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, शॉर्टेड सुबह 9 बजे, तो बहुत हलचल वाली स्थिति थी भारत की। और ये मुरली बराबर उसके 18 दिन के बाद चल रही है, 18 दिन मतलब डेथ से। इसके लिए बाबा ने कहा टीवी देखा, किस रूप से देखा, जानकारी के रूप से, नॉलेज के रूप से, कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे देखा टीवी को, हलचल। और फिर बाबा ने रिजल्ट देखी, और रिजल्ट में 3 प्रकार के बच्चे देखे। कौन से बच्चे थे वो? पहले जो थे वो अलबेले पेन की नींद वाले, उठे, चादर ओढ़ के सोए थे, उठे, क्या हुआ, और फिर सो गए। ये तो होता ही है, रिहर्सल चल रही है, ऐसा तो होता ही है, उसमें क्या है, ये हमारे लिए वेकअप कॉल नहीं है। अभी दूसरे उठे, हमारे लिए काम नहीं है। तो ये पहले, दूसरे थे वो थोड़े उनसे आगे, वो उठे, देखा, इन्होंने तो खाली देखा, क्या हुआ, और सो गए। पर ये जो दूसरे थे, ये चादर नीचे उड़ी, देखा, अच्छा, बाकी भी बड़े बड़े महारथी सोए यहां तो, हाँ, ठीक लगा थोड़ा सा, हमारे पुराने, हमसे पहले आने वाले भी सोए हैं, इसलिए सो गए, अभी बहुत टाइम पड़ा है, होते रहेगा, पहले भी किया था, कर लेंगे, हो जाएगा, देख लेंगे, ये सब करने वाले। और तीसरे जो है वो हलचल में अचल रहे। तो संसार में हलचल तो बहुत होगी, तब तो वो, अब जितनी हलचल है तब की हलचल तो बहुत छोटी थी। वो क्या कुछ, वो 3 दिन में क्या कुछ हो गया, कितने मर गए, और क्या क्या हुआ, जला दिए गए जिंदा कितने। When the great tree falls, the earth shakes. तो अचल, हलचल में अचल। फिर उसके बाद में पॉइंट, जो कुछ हुआ उसको क्या कर दो आप, फुल स्टॉप। किसका उदाहरण दिया, किसका उदाहरण दिया, अग्निशामक, जो फायरमैन होता है, पूछता है क्या, सीधा जाके बुझाता है आपको। संसार में भी आग लगी है, तुम बुझाओ, और जो कुछ हुआ है उसको फुल स्टॉप लगाओ। अब बीती को चितवो नहीं, अब उसका चिंतन नहीं करो, जो हो गया वो हो गया, फुल स्टॉप, ड्रामा, अब आगे बढ़ो, अचल रहो, अडोल रहो, एक रस रहो। आज कान एक रस स्थिति के आसन पर बैठो, एक रस स्थिति की एकाग्रता, ये तुम्हारा एक टांग है, उनकी एक टांग, तुम्हारी एक टांग, उसका आसन, तुम्हारा आसन, तुम तपस्वी हो। तो फुल स्टॉप, फुल स्टॉप लगाने की आदत डालनी है, और बार बार फुल स्टॉप लगाना है दिनचर्या में। कई बार ऐसा नहीं कि रात में एक फुल स्टॉप लगा देंगे बड़ा सा पूरे दिन के लिए, एक बिग फुल स्टॉप रात में सोने से पहले, ऐसे नहीं करना है, दिन भर में फुल स्टॉप लगाते जाना है, कई सारे फुल स्टॉप लगेंगे, छोटे 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 फुल स्टॉप, तो बड़ा फुल स्टॉप लगेगा। फिर एक साथ बड़ा फुल स्टॉप लगाने की कोशिश करोगे तो नहीं लगेगा, बड़ा फुल स्टॉप लगाना मुश्किल है, छोटे छोटे फुल स्टॉप लगाने, हो गया हो गया, हम क्या कर सकते हैं, जो हो गया हो गया, स्वीकार कर लो, आगे बढ़ो, जो हो गया हो गया, फुल स्टॉप, रोते नहीं बैठना है, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, और ये सब तो होगा, सबको मरना है आज का, तुम्हारे बच्चे भी नहीं रहेंगे, ना वो शादी कर पाएंगे, ना ही वो उनको वर्षा मिलेगा, सब मरेंगे आज की मुरली में। सबको मरना है, ये मत सोचना वो शादी, ना तो वर्षा मिलेगा, ना तो उनकी शादी होगी, सबको मरना है। जीवेश ना जीवन को पकड़ के रखते हैं। महाभारत में दिखाया है व्यास, 18 दिन युद्ध चलता है, घमसान युद्ध, अपने अपनों से लड़ रहे हैं, व्यास इतने दुखी हो जाते हैं। एक बार, वैसे तो वो साक्षी दिखाया है, पर हो जाता है कभी कभी, बड़े बड़े भी हिल जाते हैं भावना से तो जाने लगते हैं रणभूमि, वो वहां से कहीं दूर,
तो देखते हैं एक मकड़ी मकड़ी अपने को बचाकर भाग रही है रास्ते से। उसको आश्चर्य होता है, बोला तुम कहां भाग रही हो? वो कहती है अभी यहां से अर्जुन का रथ आने वाला है, मैं अपने आप को बचा रही हूं। तो उसको हंसी आती है, कहता है तुम जियो या मरो किसको क्या फर्क पड़ता है, ना ही तुम जब मर भी जाओ तो तुम्हारे मरने से कोई दुखी होने वाला है क्या, कोई आंसू नहीं बहाने वाला है तुम्हारे लिए। तो मकड़ी को थोड़ा गुस्सा आता है अंदर से। वो क्या कहती है, मैं जानती हूं कि मेरा कोई ज्यादा मूल्य नहीं, पर तुम क्या समझते हो तुम मरोगे तो दुनिया रोएगी? तुम्हारा इतना मूल्य है, मेरा भी मूल्य है, मेरी भी पत्नी है, मेरे भी बच्चे हैं, मुझे भी प्यार करने वाले हैं, मेरी भी चीजों से लगाव है, मैं जाऊंगा तो उनको उनको असर पड़ेगा। क्यों? केवल तुमको ही भावना है ऐसा नहीं है, मुझे भी भावना है, मेरा भी संसार है, वो लोग भी मुझे प्यार करते हैं। भले तुम्हारी दृष्टि में मैं मर जाऊं तो कोई नहीं रोएगा, पर वो जरूर रोएंगे मेरे अपने। तो व्यास को समझ में आता है यहां तो सभी फंसे हुए हैं, सभी आ सकते हैं, कोई भी नहीं छूटा है जीवन के मोह से। तो जो व्यक्ति सड़क के किनारे पर है, बूढ़ा हो गया है, पैरालिसिस है, फटे पुराने कपड़े हैं, घाव है, कीड़े लगे हुए हैं, फिर भी भीख मांगता है, जीवन के प्रति मोह बहुत है, वो भी मरना नहीं चाहता, तड़प रहा है दर्द से दुख से, फिर भी संसार को कहां छोड़ता है, जीवेशना बहुत है। तो बाबा ने आज कह दिया तुम मरोगे, मरने से नहीं बच सकते। वैराग, तो सच्चा वैराग स्वयं में धारण करना है। और बाबा की जो परिभाषा है वो बहुत अलग है। और एक चीज इसमें आई है, मन की आवाज मन तक पहुंचती है, मन की आवाज मन तक कितनी गहरी रास की बात बोल दी। अब कैसी सेवा करो, मन की भी सेवा करो। मन से मनन शक्ति और मगन अवस्था, दो बातें, इन दोनों से सेवा करो। मन से सेवा करो आत्माओं की, मन की आवाज मन तक पहुंचेगी। मन से ही सब कुछ किया जा सकता है, मन ही इतना ऊंच है, सब कुछ मन का खेल है। मन संकल्प कर ले कि मेरा पेट भरा हुआ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए आज सारे दिन भर, अपने आप तृप्त रहेगा। मन संकल्प करे कि नहीं नहीं मैं मुझे बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है, दिन भर ढूंढते रहेगा कहां से कुछ मिल जाए। सब मन का खेल है, मन मन में ही सब कुछ है। संकल्प, जैसा संकल्प व्यक्ति करता है सारी दिनचर्या वैसी होती है। मन से संकल्प, बाबा कह रहे मन से सब कुछ करो, मन से ही बात करो आत्माओं से, मन की आवाज मन तक पहुंचेगी, वाणी की आवाज दिमाग तक पहुंचेगी, परिवर्तन नहीं करेगी। और फिर और एक बात कही है समय के विषय में, क्या कहा, समय तुम्हारी रचना है, समय रचना और तुम रचता, वो इसमें नहीं कहा है क्या, ये मास्टर रचता की कमजोरी है, समय हमारी रचना है, वो हमको आगे बढ़ाए, ये हमारी कमजोरी है। समय जब आएगा तब हम सीखेंगे, ऐसा नहीं अभी सीख लो, जब चीजें होगी तब सीखेंगे, नहीं अभी वैराग, अभी कहां आसक्ति करें, कहां किससे आसक्ति, सब जा चुके और जो नहीं गए जाने की तैयारी में। इसलिए ऐसे अनित्य संसार को पाकर, ऐसे अनित्य लोक को पाकर, यदि तुमने इस सद्गुरु में मन नहीं लगाया तो ततक किम ततक किम ततक किम ततक किम। जिन महानुभाव के चरण कमल पृथ्वी मंडल के राजा महाराजाओं से नित्य पूजित रहा करते हैं, किंतु उनका मन यदि गुरु के चरणों में आसक्त ना हो तो इसे सद्भाग्य, ऐसे सद्भाग्य से क्या लाभ। ततक किम ततक किम ततक किम ततक किम। दान वृत्ति के प्रताप से जिनकी कीर्ति दिग दिगांतर में व्याप्त हो,
अति उदार गुरु की सहज कृपा दृष्टि से जिन्हें संसार के सारे सुख ऐश्वर्य हस्तगत हो, किंतु यदि उनका मन श्री गुरु के श्री चरणों में आसक्ति भाव न रखता हो तो ऐसे सारे ऐश्वर्य से क्या लाभ। ततक किम, क्या फायदा, सब पा लिया, मिला क्या, कुछ नहीं। इसलिए ईश्वरीय अनुराग विषय विराग। तो ये लास्ट संडे की मुरली। ओम शांति। शरीरं सुरूपं तथा वाकलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चेन लग्नं गुरुरङ्घ्रिपद्मे तत किं। पौत्रादि सर्वं गृहं बान्धवा सर्वमेतद्धि जातं मनश्चेन लग्नं कुरुरङ्घ्रि पद्मे तत किं। षडङ्गादिवेदो मुखे शास्त्रविद्या कवित्वादिगद्यं सुपद्यं करोति मनश्चेन लग्नं गुरुरङ्घ्रिपद्मे तत किं। शरीरं सुरूपं तथा वाकलत्रं यशश्चा